सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन। नमस्कार, एमएचवन प्राइम में आप सभी का स्वागत और आपके साथ मैं हूं किरण। और आज हम डिबेट, बड़ी बहस जो करेंगे वो है पंजाब कैबिनेट के मंथन पर। जी हां, पंजाब की कमान संभालने के बाद सीएम चरणजीत सिंह जल्द ही कैबिनेट विस्तार की तैयारियों में है और सिलसिले में वो दिल्ली के दौरे पर है और लगातार आला नेताओं के साथ मिलकर के विचार विमर्श कर रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अंबिका सोनी से उनके घर पर मुलाकात की है और इस दौरान डिप्टी सीएम जिंदर सिंह रंधावा, ओपी सोनी के साथ साथ पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। और बताया ऐसा जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम चन्नी पार्टी प्रभारी हरीश रावत और अन्य सीनियर नेताओं के साथ, फिलहाल आपको बता दें ये ताजा जानकारी है कि ये बैठक चल रही है जिसमें आपको मौजूद है यहां पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत है ही पंजाब प्रभारी और उनके साथ है डिप्टी सीएम ओपी सोनी और सुखजिंदर सिंह रंधावा और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी इस बैठक में मौजूद है। और इस बैठक में जो है कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा चल रही है और फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया और राहुल के साथ बातचीत की जाएगी। चलिए एक और जानकारी इस बीच में आ रही है कि ये जो बैठक चल रही थी, ये जो बातचीत चल रही थी, मुलाकात का दौर चल रहा था, वो फिलहाल समाप्त हो चुका है। यानी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो चर्चा और मंथन हो रहा था वो मंथन यहां पर हुआ है। अब देखना यह है कि क्या फाइनल रिपोर्ट यहां पर तैयार हो चुका है जिसके बाद वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बातचीत करेंगे और उस पर मुहर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये कैबिनेट विस्तार, आपको बता दें नव निर्वाचित है चरण सिंह जी चन्नी जो कि सीएम बने हैं पंजाब के और काफी इसको लेकर के भी मंथन चला था, लेकिन जब वो चीजें पूरी हुई तो अब कैबिनेट विस्तार को लेकर के मंथन हो रहा है, फेरबदल हो रहा है, वक्त बहुत कम बचा हुआ है जिसको लेकर के अब ऐसे चेहरों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जो हाईकमान की तरफ से 18 मुद्दे दिए गए हैं उसको पूरा जो कर सके उन्हें यहां पर कैबिनेट में लाने की चर्चा हो रही है। कई जो ऐसे मुद्दे हैं उस पर बातचीत चल रही है विस्तार से। आपको एक बार हम फिर से बता दें कि पंजाब की कमान संभालने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जल्द ही कैबिनेट विस्तार की तैयारियों में हैं और इसको लेकर के वो लगातार दिल्ली दौरे पर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब आज वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी के साथ, उस समय उन्होंने एक पोस्ट भी वायरल की, पोस्ट भी अपलोड किया और लिखा कि नए कार्य पे हम जा रहे हैं और यहाँ पर अब कार्य है कैबिनेट विस्तार। जी हाँ, कैबिनेट विस्तार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि इसमें चेहरा किस किस को रखा जाएगा। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू यत्र तत्र सर्वत्र नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें उन्हीं के जो नजदीकी लोग हैं उनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, या जो कहते हैं कि कोशिशें हैं उनके टैलेंट को लेकर के, जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहते हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ रहेगा उस पर नजर लगातार बनी रहेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तीन मुख्य मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। के सहगल है कांग्रेस की तरफ से, हैं दीवान अमित अरोड़ा है बीजेपी की तरफ से और आरपीएस मल्होत्रा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, हमारे इस बड़े डिबेट में। आपसे हम जानना चाहेंगे के सहगल जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के पहले दिल्ली पहुंचे, उसके बाद अंबिका सोनी उनके घर पर मुलाकात का दौर चला और अब एक बैठक भी हुई है, क्या लग रहा है कैबिनेट विस्तार कितनी जल्दी हो पाएगा? सबसे पहले तो आपसे यही जानना पाएंगे कितना वक्त और लग सकेगा। पहले तो मैं आपके चैनल से पूरे पंजाब वासियों जो ये आवाज सुन रहे हैं उनको बधाई देता हूँ कि पंजाब में नए चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं और पूरे पंजाब को आस है उनके ऊपर कि वो पंजाब के लिए कुछ अच्छा करेंगे। दूसरी बात आपने पूछी है कैबिनेट के लिए, कैबिनेट का विस्तार जल्दी हो रहा है क्योंकि इलेक्शन को टाइम थोड़ा है, एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है
और उसी के संबंध में रात 12 बजे तक जो कैबिनेट की मीटिंग चलती रही है वो कैबिनेट की रात 12 बजे खत्म हुई है, और सुबह हमारे चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम साहब और पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जो हाईकमांड को मिलने के लिए दिल्ली गए हैं वो इसी संबंध में है। मेरा ख्याल एक दो दिन में ये फाइनल हो जाएगा और सबको अपने विभाग मिल जाएंगे और पंजाब एक बार फिर डेवलपमेंट के लिए तैयार है और लोगों की आंसू के ऊपर पूरा उतरेगा। जी सहगल साहब, आप कह रहे हैं मीटिंग चल रही है और वक्त भी कम बचा हुआ है, लेकिन आप लगातार मीटिंग ही कर रहे हैं, कल भी मीटिंग चली, आज भी मीटिंग चल रही है, निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहां पेच फंस रहा है? देखो इतना कम टाइम में हम हर रिजल्ट के ऊपर पहुंच रहे हैं और हमारे सीएम साहब और डिप्टी सीएम और प्रधान जी बाकी उनके जो कैबिनेट के वजीर बनने हैं कोई भी आराम में नहीं है, सब जो है अपने काम के ऊपर लगे हुए हैं भी कब ये कैबिनेट फाइनल होगी और उसके बाद जो बाकी काम बचा हुआ है वो करने के लिए तैयार बैठे। जी चलिए हम आपके पास वापस आएंगे। दीवान अमित अरोड़ा जी बीजेपी की तरफ से हैं। दीवान जी आपसे हम जाना चाहेंगे, आप देख रहे हैं किस तरह से एकदम तेजी के साथ कांग्रेस यहां पर जो है वो अब विधानसभा चुनाव की तरफ दौड़ रही है, उनकी तरफ से हर कोशिशें की जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को जीत लिया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों की राह जितनी पंजाब में मुश्किल है उतनी ही कम कोशिश आपकी तरफ से हो रही है, क्योंकि कहीं कुछ बातचीत या कुछ ऐसे मुद्दे नजर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा है किरण जी, जी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो खुद जो मुख्यमंत्री बने हैं सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, वो स्वयं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब वो कटरा वैष्णो देवी माता के दर्शनों के लिए गए थे जी। तो उन्होंने कहा था कि मां की शक्तियां कम हो रही हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो रेप कांड हुए थे उनके ऊपर उनका कटाक्ष था। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि भैया वो जो एक आईएएस महिला अधिकारी है जिसने मी टू के तहत चन्नी के ऊपर आरोप लगाए थे, क्या इनको मुख्यमंत्री बनाने से आज मां की शक्तियां कम नहीं हुई? क्या एक बेटी की शक्तियां कम नहीं हुई? क्या पंजाब सरकार का बेटी बचाओ अभियान जो है वो इनको मुख्यमंत्री बनाने से वो अभियान कुछ नहीं हो गया? जी सहगल साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो कई आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री चन्नी है, स्वयं मुख्यमंत्री चन्नी है सबसे बड़ा मुद्दा की बात है। ये बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी की, किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाना बहुत आसान सी बात है, वो पार्टी के सीएम हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो इल्जाम लग रहे हैं वो सही है, ये बेबुनियाद बात है। टीवी चैनल के ऊपर कोई किसी के ऊपर या झूठ में किसी का जब उसकी असलियत आती है सामने तब मालूम पड़ता है कि क्या है। कोई इल्जाम ऐसा साबित नहीं हुआ जो वो लगा रहे हैं, ये कहने की बात हो रहा है, सिर्फ किसी आदमी के ऊपर इल्जाम लाने वाली बात है। जी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलूंगी, आरपीएस मल्होत्रा जी, आपसे जाना चाहेंगे आप पंजाब के लिए ऐसे किन मुद्दों को लेकर आएंगे, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें कई उतार चढ़ाव रहे इन दिनों, अगर देखा जाए तो कई सारे घटनाक्रम भी उनके बीते, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं स्थिति को संभाल लिया है, मुद्दे भी यहां पर 18 ऐसे हैं जिनको हाईकमान की तरफ से अब पंजाब के सरकार को दे दिया गया है, सीएम को दे दिया गया है और कहा गया है कि इन्हें आप जल्द से जल्द पूरा करिए, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कोशिश हो रही है, क्या खास ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए किरण जी, ये जो सारा ड्रामा कांग्रेस में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है, ये जो इन्होंने 4.5 साल बिल्कुल कुछ काम नहीं किया पंजाब में और पंजाब के लगभग सभी वर्गों के लोगों पे लाठियां बरसाई हैं, नौजवानों को लाठियों से पीटा है, बहू बेटियों की चोटियां पकड़ के इन्होंने खींचा है, उनको बेरोजगार करके रखा हुआ है, जिंदगी उनकी तबाह करके रखी हुई है। तो ये जो सारे पंजाब के मुद्दे हैं उन पे किसी पे भी काम नहीं हुआ है, पूरी तरह से फेल जब इनकी सरकार हो गई और किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रही, तभी इन्होंने अपने उस महान चेहरे, कहते थे कि हमारे पास इतना बड़ा चेहरा है, उस चेहरे को इतना बेआबरू करके निकाला है। तो मैं नहीं समझता कि
अगले जो चार महीने बचे हैं इनके कुछ ज्यादा जो इनसे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, यहाँ अब तो इनका कैबिनेट की बात चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कैबिनेट या कोई भी सरकार जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत से चलती है, तो ये जो फेलियर हुआ है, नाकामी हुई है, सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, उसके सारे मिनिस्टर्स की भी है। तो अभी जो नया कैबिनेट आ रहा है, एक तो उसमें पुराने मिनिस्टर नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि वो भी ऐश करते रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी उनकी जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। और खासकर जो दागी मिनिस्टर हैं, जिनपे तरह तरह के इल्जाम लगे हैं, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं, जैसे धर्मसोत जी पर इल्जाम लगा है, बलबीर सिंह पर इल्जाम लगा है, इनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। और जो इनके दागी एमएलए हैं, मल्होत्रा साहब, कैबिनेट में कांग्रेस किनको रखेगी किनको नहीं रखेगी, ये तो उनका अपना ये विचार होगा, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आप किन मुद्दों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? वहीं के वहीं खड़े हैं मुद्दे, पंजाब के वहीं के वहीं खड़े हैं। पंजाब में जो बेअदबी कांड पे फैसला था, हमें जनता को वो चाहिए, गोली कांड पे फैसला चाहिए, कार्रवाई चाहिए, नशे जो है आज घर घर नशे फैले हुए हैं। कैप्टन साहब ने अपने पैतृक गांव में हर दूसरे चौथे दिन नौजवानों की मौतें हो गई है, एक एक परिवार में एक एक दिन में 200 नौजवान बच्चे मारे गए वहां पे। सारे पंजाब में नशा फैला हुआ है, घर घर रोजगार के नाम जो इन्होंने फ्रॉड किया पंजाब के साथ, उस पर कार्रवाई चाहिए, कर्जा माफी पे चाहिए। 70,000 करोड़ का कर्जा है पंजाब के किसानों पे, इन्होंने सिर्फ 4,700 करोड़ जो है माफ किया। चलिए, इसे हम कांग्रेस पे जवाब ले लेंगे, कांग्रेस से हम इसको लेकर के जवाब ले लेंगे यहाँ पर मल्होत्रा साहब। फिलहाल जो है जिनके रास्ते प्राइवेट कंपनियों के हाथों गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, वो चाहिए। माफिया राज जो चल रहा है, माफिया सिर्फ सैंड माफिया की बात की उस दिन चन्नी साहब ने, और मैं पूछता हूँ कि जो नशा माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, स्कूल माफिया, अस्पताल माफिया, समझ गए कि कई चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि जो सरकार थी कांग्रेस की वो जवाब दे इसको लेकर के, और आगे के जो मांगे हैं आपकी कि जितनी हत्याएं हुई हैं उन सब को लेकर के जवाब दे। पंजाब से दिल्ली की दौड़ जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि बैठक फिलहाल खत्म तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बात वहां से निकल करके सामने नहीं आई, लेकिन उसी बैठक में क्या कुछ खास रहा होगा ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या यहाँ पर भी एक कास्ट इक्वेशन को ज्यादा महत्ता दी गई होगी, या यहाँ पर माझा और मालवा और दुआबा का फैक्टर जो है वो सामने आया होगा, क्या कुछ रहा होगा जिसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पेश किया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। वहीं हम सहगल साहब के पास चलेंगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सहगल साहब, क्या यहाँ पर जो कैबिनेट का विस्तार अभी होने वाला है उसमें कास्ट इक्वेशन को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाएगी क्या? ऐसा जो अभी तक हमने देखा है सीएम के चुनाव में, तो ऐसा लग रहा है कि शायद कैबिनेट के विस्तार में भी यही एक महत्वपूर्ण है। देखो, जो कैबिनेट बनेगी वो एक मिसाल बनेगी, और जो मंत्री साहबान आएंगे वो पंजाब के हित के लिए है। आपने कल देखा है कि कल ही रात 12 बजे तक जो मीटिंग चली है उसमें एम्प्लाइज को सैड का जो सैड माफिया है ये तो सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है। पंजाब में पहले भी कांग्रेस का राज था, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन पार्टी हाईकमांड की वजह से जो मंत्री साहबान ने, एमएलए साहबान ने प्रोग्राम बनाया और हाईकमांड को रिक्वेस्ट की, जो अब चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी आए हैं, इनकी सोच को पंजाब जो कल से लोग 12 बजे तक टीवी के सामने बैठ रहे हैं कि आप कुछ नया होने लगा है, वो नया आपको एक दो दिन में दिखेगा, और लोग कहेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है उसमें डेवलपमेंट, रोजगार और पंजाब की भलाई के लिए बहुत कुछ है। जी हेलो जी, सहगल साहब आपसे जाने, आपने कहा कि फैसले कई नए आपको नजर आएंगे यहाँ पर, लेकिन मल्होत्रा साहब की तरफ से जो आम आदमी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक 4.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, वो कह रहे कई सारी ऐसी जो चीजें थी उस पर काम नहीं हुआ है, जो मुद्दे लेकर के वो आए थे पिछली बार चुनाव के वक्त में वो मुद्दे पूरे नहीं किए गए हैं, तो क्या ये नई सरकार जो है, नए जो फैसले की आप बात करें, उन नए फैसलों में उन मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा और जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी, आरोप लगा है आप पे? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनके पंजाब के प्रधान हैं मिस्टर चीमा, मैं विधानसभा में भी जाता रहा हूँ, वहां जो सेशन चलते हैं, ये मल्होत्रा साहब को मेरी एक बेनती है कि आपकी जो पोजीशन ये लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार पंजाब में आएगी,
या कोई और गवर्नमेंट की बात करते हैं या मुद्दों की बात करते हैं। अभी तो एक दिन हुआ है, कल रात, कल दिन भर में जो है सीएम साहब ने ओथ सेरेमनी ली है और आज वो दिल्ली में बैठे हैं। आप उनको इतना टाइम तो दो कि वो अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं कैबिनेट बन जाए और उसके बाद जो फैसले हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, पब्लिक के सामने। वो मुद्दे काम कर रहे हैं जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो, इल्जाम लाना या कोई बात करनी बड़ा इजीली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी, मैं भी किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकता हूं कोई पेंडिंग है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम पड़ा है। हमने 2022 की इलेक्शन जीतनी भी है और लड़नी भी है और पूरी बहुमत में जीतेंगे दोबारा कांग्रेस की सरकार। इसी पे दीवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीवान जी। किरण जी, जो सागर साहब ने आपको कहा कि कोई सबूत नहीं है जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं चन्नी जी के ऊपर, मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक ही बात जानती हूँ कि बीजेपी जो है वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती है और जो चीजें बैठ गई हैं, जो बातें अभी नहीं उठ रही हैं, उसे उठा करके एक महिला के दर्द को यहाँ पर लाना सामने वो अच्छी बात नहीं होगी। पंजाब वुमेन कमीशन के पास केस पेंडिंग है जी। फिलहाल इस मुद्दे को छोड़ करके जी दीवान साहब इस मुद्दे को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। हम इसके अलावे दूसरे मुद्दे हैं उन पर हम बातचीत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यशैली के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनको पहला डिसीजन ये लेना चाहिए था कि जो कामगार जो मंत्री थे उनके दामाद को नौकरी दी गई, सबसे पहले उस नौकरी को रद्द करना चाहिए था। दूसरी बात को यह करनी चाहिए, ये नहीं है। सागर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सागर जी, प्लीज मुझे बात करें। दूसरा डिसीजन मुख्यमंत्री को यह लेना चाहिए था कि सबको घर पर नौकरी देने का। जितना किसान है बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर, जितने किसान परिवार है, जितने दलित परिवार हैं, जितने अच्छी परिवार हैं, उन सबको, उनके परिवारों को नौकरी देने का डिसीजन इनको लेना चाहिए था, प्रत्येक परिवार को। तीसरा डिसीजन इन्होंने जो वादा किया था पूरन कर्जा माफी करने का, तो पूरन कर्जा माफी करने का डिसीजन भी इनको फौरन लेना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने गुटखा साहब पर हाथ रख के कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने वादा किया था लोगों से। ये अहम मुद्दे हैं। अब माइनिंग माफिया खत्म होगा, ये इन्होंने डिसीजन लिया, अच्छी बात है। लेकिन जो पंजाब में किसी को नौकरी नहीं मिली, 1500 के ऊपर किसान आत्महत्या कर गए पिछले 4.5 सालों में, ये कर्ज के नीचे दब के, उनकी सुध कौन लेगा? सहगल साहब से हम जवाब ले लेते हैं। जी बोलिए। बीजेपी सरकार को बोले कि वो फैसला ले और किसानों का मसला हल करे। पंजाब में जितनी पार्टी है, चाहे आप है, चाहे अकाली दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कुछ पब्लिक है, वो सब कहते हैं कि किसानों का मसला हल होना चाहिए। किसानों का मसला अब पूरे, अब पंजाब का नहीं रह गया, पूरे ऑल ओवर कंट्री का है। आप उसके ऊपर बात कीजिए ना, बीजेपी को बोलिए कि उसका मसला हल करें। हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो कल ही बताया है, कल भी बोला है कि हम किसानों के साथ हैं। किसानों के परिवारों को नौकरी दीजिए, किसान अपने आप घर आ जाएंगे वहां से। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जितने किसानों की किसी की डेथ हुई है उनको 5-5 लाख रुपया दिया, और जो कर्जे हैं वो पीछे सीएम साहब ने माफ किए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ही है। अभी नौकरी वाला मसला भी हल होगा, लेकिन जो बीजेपी सरकार कर रही है उसका सारा आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर मत वो करें, उसको टारगेट मत करें। धरना तो बीजेपी ने था, जो इतना धरना लगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया कह रही है कि ये किसानों का मसला हल होना चाहिए। तो आप बीजेपी को बोले ना, ये कांग्रेस पार्टी का धरना तो है नहीं। अरे बीजेपी किसान, बीजेपी जो 86% गरीब किसान है उनके लिए काम कर रही है। अरे बीजेपी ने क्या किया है यूपी में देख लो, अभी ममता बनर्जी के वहां क्या हुआ है आप देखो। जहाँ कांग्रेस है, जहाँ पब्लिक, जहाँ बीजेपी के अगेंस्ट पार्टी है, वहाँ देखो कितना बढ़िया चल रहा है। लेकिन बीजेपी एक बंगाल में जीरो आई है कांग्रेस जी, तो एक एक करके, क्योंकि किसानों की अगर बात चल रही है तो ये मुद्दा बहुत अहम है। और अगर हम कहें तो पंजाब जो है वो किसानों के लिए ही जाना जाता है। मल्होत्रा साहब, किसान मुद्दा चल रहा है,
और ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत अहम है कि किसानों के लिए आप कुछ सोचे और कुछ ऐसी योजना जो है वो लेकर के आए। देखिए किरण जी, कांग्रेस और भाजपा की जो बातें हैं उनको सुनकर तो वो हिंदी की कहावत याद आ जाती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जी हेलो जी, आवाज आ रही है मल्होत्रा साहब आपकी? हाँ देखिए, ये सबके सामने स्पष्ट है कि किसानों की ये जो समस्या खड़ी हुई है इसमें कांग्रेस, बीजेपी और अकाली, इन तीनों का पूरी तरीके से हाथ है। भाजपा जो है कॉरपोरेट से चंदा लेके उनके लिए ये कानून बना रही है ताकि खेती पूरी तरह उनको सौंपी जा सके, और उसमें हाई पावर कमेटी में कांग्रेस ने इनका साथ दिया। कैप्टन साहब किसान आंदोलन पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, और पिछले हफ्ते ही उन्होंने कहा कि जी इनको पंजाब से बाहर जाके दिल्ली बॉर्डर पे अपना आंदोलन करना चाहिए। और अकाली दल का भी हाल आप देख चुके हो, कैबिनेट में उन्होंने तीनों जो अध्यादेश हैं उनके ऊपर साइन किया, फिर पूरा बादल परिवार उनकी सपोर्ट करता रहा। आप अकाली दल की बात करो ना, जो है नक्सलाइट कहते रहे कांग्रेस तो। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मल्होत्रा जी को बोल लेने दीजिए, फिर आप इस पे जवाब दे दीजिएगा। देखिए जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम केंद्र सरकार के इन कानूनों के पूरी तरह खिलाफ हैं। दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें इनको जो है फाड़ के फेंका गया है, इनको रद्द किया गया है, और किसानों के लिए हमारा ये स्पष्ट स्टैंड है कि किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक उनका जो फसलों की कीमत है वो मिलनी चाहिए। दिल्ली में गेहूं की 2616 रुपए और धान की 2667 रुपए, जो डेढ़ गुना कीमत है वो आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही दे रही है। तो हम किसानों के इस आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करते हैं, और सिंघू बॉर्डर और ठीकरी बॉर्डर पर भी जहां तक हो सका, चाहे वो सर्दियों में गर्म पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी, चाहे पोर्टेबल टॉयलेट की थी, चाहे वाईफाई की थी, चाहे लंगर लगाने की थी, चाहे दवा दारू की थी, वो आम आदमी पार्टी ने की है, और आगे भी जैसे जितना संभव हो सकेगा आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर। संक्षिप्त में इसका जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षिप्त में इसका जवाब दे दीजिए। जी को मैं याद करना चाहता हूँ कि बादल के ऊपर के समय भी कहा है कि हम किसानों का पूरा साथ देते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, अभी करने का फैसला हुआ उसने भी साथ में रेट बढ़ाया, और पूरी तरह पार्लियामेंट के बाहर भी आपसे भी सुनूंगी, जानना चाहूंगी। राहुल गांधी जी सब लोग धरना लगा के बैठे हैं कि कांग्रेस फार्मर की पूरी सपोर्ट हो। आप ये देखो कि अकाली दल ने, मैडम बीबा हरसिमरत ने उसके ऊपर साइन किए, बीजेपी उनकी बात नहीं मान रही। ये धरना जो है बीजेपी की बदौलत लगा हुआ है। कांग्रेस तो हर समय फार्मर के साथ है, पहले भी थी, आज भी है, और आगे आगे जी, दीवान जी, जो फार्मर के लिए बीजेपी की बदौलत है, किसी की डेथ हुई उसको भी 5 लाख रुपया दिया, और जो नौकरी की ये बात करते हैं समा आने के ऊपर जो नौकरी बन पाएगी। चुप करवाए ऐसा किरण जी, ये सागर साहब को शायद याद नहीं है, ये सुनील जाखड़ ने सिद्धू की ताजपोशी के समय खुद कहा था कि भाई ये हम कैप्टन साहब की कूटनीति से हमने किसान बॉर्डर पर भेज दिए, वरना ये कैप्टन साहब के मोती में हल के बाद धरना लगाते, क्योंकि उन्होंने पूरन दर्जा माफ नहीं किया, जिन्होंने घर घर नौकरी नहीं दी। अब आप मुझे ये बताएं किरण जी कि पंजाब में रहने वाले तो किसान भी है, अगर घर घर नौकरी दी होती तो किसानों को भी नौकरी मिलती, किसान परिवारों को भी नौकरी मिलती, और किसान क्यों आप भूखे मरते आप मुझे ये बताओ, उनका बुरा हाल क्यों होता? 70 साल में इन्होंने धोखा किया है किसानों के साथ, पंजाब की इंडस्ट्री बर्बाद कर दी इन्होंने, पंजाब का पूरा व्यापार बर्बाद कर दिया। पिछले 70 सालों का यहाँ हिसाब किताब मांगा जाएगा हमेशा आपका। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, और आप लोगों ने जिस तरह से शामिल होकर के जो बताया, खास तौर से लग रहा था कि किसान का मुद्दा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसमें कोई पार्टी उनके साथ है तो कोई पार्टी अभी किस तरह से इसे सुलझाए, खासतौर से बीजेपी किस तरह से सुलझाए इसको लेकर के एक उलझनों में उलझी हुई है कि कैसे जो किसान है वो सड़कों को खाली करके घर वापस जाए और पंजाब में वो अपने इस वोट बैंक को साधने में कामयाब रहे। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।